शरीर में है चार महत्वपूर्ण अंग, हार्ट, लंग्स, लिवर एवं किडनी, सही ढंग से काम करके हमें जिंदा रखती है। आइए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी कैसे काम करती है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे शरीर में लंग्स एवं लिवर किस प्रकार काम करती है। आज चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में किडनी का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। लंग्स और लिवर के ठीक पीछे पेट के साइड में होते हैं। किडनी राजमा के शेप का होता है। इसका साइज हर इंसान के हाथ की मुट्ठी आकार का होता है। यानी आपके हाथ की मुट्ठी का जो साइज है वही साइज का हमारी किडनी होती है। किडनी के ऊपर टोपी के जैसे दो ग्रंथियां जुड़ी होती है। उस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को बनाती है। किडनी का काम हमारे शरीर में खून को फिल्टर करना है, साथ ही हमारे शरीर में वाटर लेवल को कंट्रोल करके पेशाब को बनाता है। किडनी हमारे ब्लड में मौजूद अमोनिया, यूरिया और भी हानिकारक पदार्थ को ब्लड में मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके उसे यूरिन को बनाता है। किडनी से दो ब्लड वेसल जुड़ी होती है। एक से अशुद्ध खून किडनी के अंदर जाता है और दूसरा शुद्ध होकर खून बाहर आता है। किडनी से एक पाइप निकली हुई होती है, इसे यूरेटर कहते हैं। इसी यूरेटर से किडनी के द्वारा बनाया गया यूरिन बाहर निकलता है और नीचे जाकर एक टैंक में जमा होता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर लगभग 500 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। जब ब्लैडर में 300 ml तक यूरिन इकट्ठा होता है तो हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होने लगती है। चलिए अब देखते हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करता है। हमारा किडनी अंदर से कुल चार भागों से मिलकर बना है। पहला है ये बाहर का कवर वाला भाग, इसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। दूसरा इसके अंदर का भाग, इसे मेडुला कहते हैं। तीसरा ये यूरेटर से जुड़ा हुआ भाग, इसे पेल्विस कहते हैं। चौथा ये बीच वाला भाग, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यही कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स एक तरह से बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन सेल हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसके सबसे फ्रंट में बॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर गुच्छे के रूप में ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है तब वोमेंस कैप्सूल इन अशुद्धियों को खून के अंदर मौजूद खून के अंदर पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। वोमेंस कैप्सूल से जुड़ी ये ट्यूब आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक से जुड़ जाती है। इसी कलेक्टिंग डक से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस में छोड़ देते हैं, जहाँ से ये अशुद्धियाँ यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाता है और लास्ट में हमारे शरीर से पेशाब के द्वारा बाहर हो जाता है।